स्टोरी कहानी एम्ब्रो द अम्ब्रेला बर्ड। एम्ब्रो अम्ब्रेला बर्ड, इट इज अ नेम ऑफ द स्टोरी। कैरेक्टर्स, एम्ब्रो अ बग। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, एम्ब्रो और बग। एम्ब्रो द अम्ब्रेला बर्ड लिव्ड इन अ स्मॉल मड हाउस। एम्ब्रो अम्ब्रेला बर्ड जो था वो एक स्मॉल मड हाउस, मिट्टी के घर में रहता था। One day, Amro was sitting under a big tree. एक दिन Amro एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा था। Just then, a bug flew into his hut. एकदम से एक बग उड़ करके उसके घर के अंदर आ गया। एक पतंगा उड़ करके उसके अंदर आ गया। Amro went inside the hut. जो Amro था वो हट के अंदर आया। He saw the bug sitting on the bun. Filled with nuts, उसने देखा बग उसके बन के ऊपर बैठ गया जिसमें नट्स थे। Amro got angry. Amro को गुस्सा आ गया। He ran to catch the bug. वो बग को पकड़ने के लिए भागा। He tripped over a cup and fell down. वो कप में फंस गया और गिर गया। उसके पैरों के नीचे कप आ गया और वो गिर गया कप के कारण। The bug laughed. Amro got up and started chasing the bug again. The bug laughed. जो बग था वो हंसा। Amro got up. Amro उठा and starting chasing the bug. और उसने बग का पीछा करना शुरू कर दिया। उस पतंगे का पीछा करना शुरू कर दिया। The bug got scared. जो पतंगा था वो डर गया। He quickly flew out of the door. वो तेजी से डोर से बाहर भागा। तेजी से भाग रहा भाग गया अम्रो। बग तेजी से डोर से बाहर भाग गया, दरवाजे से बाहर भाग गया। अम्रो वाज वेरी हैप्पी। अम्रो बहुत खुश था। ही सैट इन हिज हट एंड एट द बंस। वो अपने हट में बैठ गया और बंस उसने आए। वर्ड्स इन फोकस, यहाँ अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं। इन आउट, इन अंदर, आउट बाहर, स्मॉल बिग, स्मॉल छोटा, बिग बड़ा, अप डाउन, अप ऊपर और डाउन नीचे। फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स कैसी होती है, हम कैसा महसूस करते हैं। कई बार हम एंग्री होते हैं, गुस्सा होते हैं। स्केयर्ड, डरे हुए होते हैं कई बार। और हैप्पी, कई बार खुश होते हैं।